नमस्कार, आक्रोश देख रहे हैं जनाक्रोश और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। बिहार की बदहाल शिक्षा के लिए किसको दोष दिया जाए? ग्रामीण इलाकों में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भवन का निर्माण नहीं हो पा रहा। अगर कहीं जमीन दान करके भी भवन निर्माण कराने की कोशिश की जा रही तो प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही से खाना पूर्ति की खबरें सामने आती है। अब ऐसे हालातों में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को किस स्तर से शिक्षा मिल पाएगी, ये समझा जा सकता है। लापरवाह प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई होगी? जनाक्रोश में इसी मुद्दे पर आपकी राय लेंगे। कटिहार के डंडखोड़ा प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय नरहिया के बच्चे गौशाला में पढ़ने को मजबूर हैं। आखिर क्यों, आप खुद देखिए। बिहार में शिक्षा स्तर के सुधार के बड़े बड़े दावे हर राजनीतिक मंच से किए जाते हैं, लेकिन आज भी सुदूर इलाके का सच ये है कि कटिहार के डंडखोड़ा प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय नरहिया में सरकारी उदासीनता के कारण कई साल से भवन भी नसीब नहीं हुआ है, जिसकी वजह से बच्चों को गौशाला में शिक्षा लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कहाँ पड़ती है? गाय का गुहाली। डर लगता है? हाँ। किससे? गाय से। क्या चाहती है? भवन बन जाए। ऐसा नहीं है कि विद्यालय को अपनी जमीन नहीं मिली। लगभग दो साल पहले भूमिदाता की ओर से विद्यालय के नाम जमीन दान की तमाम प्रक्रिया पूरी की गई थी, लेकिन अधिकारी खाना पूर्ति करते हुए वाहवाही लूट रहे हैं और मजबूरी में बच्चों को गौशाला में पढ़ाई करने के लिए बेबस होना पड़ रहा है। हालत तो क्या बयान करेंगे, हालत तो अभी बहुत ही दयनीय स्थिति है, जो कि हम लोगों को मजबूरन जो है कि यहाँ पढ़ाना पड़ रहा है। इसे तो नोहरी स्कूल में टेक कर दिया गया है, यहाँ से लमसम 2 किलोमीटर की दूरी है और सड़क में कुंड मारा हुआ है। बच्चा डर से जाना नहीं चाहता है, ना ही उसके अभिभावक गण जो है भेजना चाहते हैं, और हमें जो है कहा जाता है कि आप फिलहाल जो है आप यहीं पढ़ाइए। कहाँ चला, गुहाली में? हाँ, यहाँ तो गाय बैल भी बांधा जाता है, लगभग इसको हम गुहाल भी बोल सकते हैं। हालांकि जिलाधिकारी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जल्द ही जाँच के आश्वासन दे दिए हैं। उसकी जानकारी मुझे नहीं है पहले से, आप उसकी जानकारी बता रहे हैं, हम डिटेल्स पता कर लेते हैं और जमीन आवंटित है तो वहाँ पे भवन निर्माण करा दिया जाएगा। जब शिक्षा के सुधार पर सरकार के दावे लंबे चौड़े हो और उसकी हकीकत ऐसी हो तो सुशासन की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल जरूर उठता है। कटिहार से श्याम कुमार की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। ग्रामीणों की चाहत थी कि उनके आसपास भी एक सरकारी विद्यालय हो जहां बच्चे शिक्षित हो सकें। उन्होंने जमीन दान की, लेकिन दान की जमीन ऐसे ही पड़ी रही। भले ही उस स्कूल के नाम पर शौचालय बनवा दिया गया, किचन शेड तैयार कर दिया गया, लेकिन विद्यालय का भवन तैयार नहीं हुआ है और बच्चे गौशाला में पढ़ने को मजबूर हैं। इस मुद्दे पर आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस मुद्दे पर अपनी बात साझा कर सकते हैं। स्कूल के लिए जमीन ग्रामीणों ने दान दी, लेकिन भवन नहीं बना अब तक। हालांकि स्कूल के नाम पर शौचालय जरूर तैयार कर दिया गया, किचन शेड तैयार कर दिया गया, लेकिन भवन तैयार नहीं हुआ है, जिसकी वजह से बच्चों को गौशाला में पढ़ना पड़ता है। इस मुद्दे पर आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पटना से एक दर्शक गणेश जुड़े हुए हैं। जी गणेश जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी नमस्कार सर। जी हम यही कहना चाहेंगे कि सर मनुष्य का तीसरा नेत्र शिक्षा है, इसके बगैर एक जग चलना घड़ी का जीवन मुश्किल है। और गरीबों को ऋण तोड़ने का काम कर रही है सरकार, ऋण नहीं रहेगा तो खड़ा कैसे हो सकता है। 2 दिन पहले मैंने पेपर में पढ़ा था
ये अपील के बाद 6 महीना तक सभी बच्चों को स्कूल में किताब मुहैया नहीं कराया, कैसे पढ़ेगा? कहने का मतलब है कि इन लोग पढ़े हो, वैदिक काल वाला स्थिति इन लोग जानबूझ के किए हुए हैं। गरीब बच्चा, कमजोर बच्चा, तबका के आदमी है, उन जमाना में ऐसा ही होता था, जो कुछ पढ़ लिखने के लिए स्कूल सोचता था तो उसको कान में शीशा जला के डाल दिया जाता था, सुनते फिर हम जाने क्या होता था। वही स्थिति तो आज इन लोग बना करके रखे हुए हैं, वो संविधान की क्षेत्र से तो दे दिया है राष्ट्रपति ने, इन लोग खाली वो अपचारण करवा रहे हैं, और क्या कहते हैं जी। धन्यवाद गणेश जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। आप भी हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इन नंबर्स पर कॉल करके इस मुद्दे पर आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कर सकते हैं। कहीं जमीन नहीं होने की वजह से स्कूल का निर्माण नहीं हो पा रहा है, तो कहीं जमीन होने के बावजूद स्कूल को भवन नसीब नहीं हुआ। हालांकि स्कूल के नाम पर शौचालय का आवंटन हो गया, शौचालय निर्माण करा दिया गया, किचन शेड भी तैयार कर दिया गया, लेकिन विद्यालय का भवन नहीं। जहानाबाद से एक दर्शक शिव कुमार जुड़े हुए हैं। जी शिव जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? बात तो हम बार बार कहते हैं, आज फिर कुछ कटुए बात करने जा रहे हैं जी। अगर पूरे देश में शिक्षा ही होता तो आज बताइए कांग्रेस 70 वर्ष तक राज किया, अगर शिक्षा होता तो आज चोर के पीछे आंधी मैदान भर जाता। पहला बात बताइए, एक चोर जब गांधी मैदान में अपना सभा कर रहा है तो उसमें लोग भर गए क्यों? इससे कि शिक्षा नहीं है? कि जाओ सुन लीजिए, देखिए पूरी बात मेरी सुनिए। अब एक बात बताइए, पढ़ लिख के ज्यादा से ज्यादा लोगों का आईपीएस आईएएस या डॉक्टर, एकरा ज्यादा तो कुछ ना होगा ना, लेकिन अनपढ़ अगर मैट्रिक पास रहेगा, अति नॉन मैट्रिक रहेगा, छठा पास रहेगा, तो उम्र में भले कम बेसी हो लेकिन वो होगा स्वास्थ्य मंत्री, वो होगा माने कहा जाए कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर। तो अनपढ़ रहना अच्छा है कि लिखल रहना अच्छा है? दीपक जी, अनपढ़ रहेगा तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा, अनपढ़ रहेगा तो स्वास्थ्य मंत्री होगा, अब पढ़ लिख जाएगा तो आईएएस आईपीएस अधिका कुछ होगा। इसलिए नहीं, शिक्षा को जितने डाउन रखा जाएगा उतने ये सब जितने अपराधी लोग हैं, जितने घोटालेबाज लोग हैं, जितने चोर लोग हैं, उनकी मनोबल बढ़ेगी। अब बताइए, चोर के मिलता है जेड सुरक्षा, एगो चोर के जेड सुरक्षा मिला दीपक जी? इसलिए ये सब अब बात आप लोग दिखाइए, आप लोग चौथा स्तंभ है, दिखाइए, हम जनता है, विरोध करेंगे, लेकिन स्थिति यही रहेगी। धन्यवाद शिव कुमार जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। आप भी हमें फोन कर सकते हैं, हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पिंटू कुमार पटना से एक दर्शक जुड़े हुए हैं। जी पिंटू जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हेलो बॉस जी, बोलिए। कहने का मतलब ये है कि ये जो शराब के बारे में आपका न्यूज चैनल चलता है। हेलो जी पिंटू जी, सुन रहे हैं। हाँ, तो ये कहने का मतलब है कि हमारा जब देश का राजा ही भूखा और चोटता रहेगा, चलने देगी? कहने का मतलब है सर कि यहाँ पर शासन और प्रशासन जब तक सही नहीं रहेगा तो क्या शराब बंदी करने से कोई फर्क पड़ने वाला है? जी पिंटू जी, आज हम विद्यालय के मुद्दे पर दर्शकों की प्रतिक्रिया ले रहे हैं। धन्यवाद जुड़ने के लिए, अपनी बात साझा करने के लिए। आप भी हमें फोन कर सकते हैं, हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस मुद्दे पर अपनी बात साझा कर सकते हैं।
हमें फोन करें कि आखिर स्कूलों को लेकर इतनी लापरवाह क्यों है सरकार। कहीं जमीन नहीं होने की वजह से स्कूल का भवन नहीं बन रहा है, तो कहीं जमीन होने के बावजूद स्कूल का भवन नहीं बन सका है, जबकि स्कूल के नाम पर शौचालय और किचन शेड तैयार कर दिया गया है, पर भवन नहीं होने के कारण बच्चों को गौशाला में पढ़ना पड़ता है। आप भी हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही की वजह से जमीन होते हुए भी विद्यालय का भवन तैयार नहीं हुआ है, लेकिन विद्यालय के नाम पर किचन शेड और शौचालय जरूर तैयार कर दिया गया। जमशेदपुर से एक दर्शक मुन्ना जुड़े हुए हैं। जी मुन्ना जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? मुन्ना जी बोलिए, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हेलो जी मुन्ना जी बोलिए। हेलो दर्शकों से आग्रह है कि जब हमारे साथ जुड़े तो अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दे ताकि उनकी आवाज स्पष्ट आ सके। आप भी हमें फोन कर सकते हैं, हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं। स्कूल के लिए ग्रामीणों ने जमीन दान दी ताकि उनके बच्चे बेहतर शिक्षा हासिल कर सकें, उनके लिए बेहतर व्यवस्था मुहैया कराई जा सके, लेकिन सरकारी व्यवस्था बदहाल है, अधिकारी लापरवाह हैं, जिसकी वजह से स्कूल को भवन नहीं नसीब हुआ अब तक, भले ही स्कूल के नाम पर शौचालय और किचन शेड तैयार कर दिया गया। पटना से दर्शक उपेंद्र जुड़े हुए हैं। जी उपेंद्र जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, इस मुद्दे पर यही कहना चाहते हैं, सबसे पहले तो एक बात हम कह देते हैं कि पता नहीं लगता है कि हमारा बात आप लोग को गरगट लगता है का, बड़ा फोन ट्राई करला के बाद फोन जो है ना आप लोग लाइन। धन्यवाद उपेंद्र जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। कई दर्शक कोशिश करते रहते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस वजह से ऐसा हो सकता है कि फ़ोन जल्दी ना लगे, पर जब आप हमारे साथ जुड़ें तो मुद्दे से जुड़ी अपनी बात हमारे साथ साझा करें। सरकारी उदासीनता की भेंट चढ़ती ये स्कूल, जिसके लिए ग्रामीणों ने जमीन दान दी थी ताकि उनके बच्चों को बेहतर सुविधा मुहैया हो, स्कूल भवन का निर्माण हो जहां वो जाकर पढ़ाई कर सकें, पर फिलहाल उन बच्चों को गौशाला में पढ़ना पड़ रहा है। पटना से एक दर्शक मुद्रिका जुड़े हुए हैं। जी मुद्रिका जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी मुद्रिका जी बोलिए। हाँ, स्कूल के लिए जमीन
ऐसा तो नहीं है कि स्कूल के लिए जमीन दिया गया जिसमें केवल किचन और जो है शौचालय के अलावा जमीन नहीं बचता है? नहीं, जमीन है तो उसके लिए जो है उसका जो संबंधित प्राधिकारी जवाब देंगे, उनसे पूछा जाए। बिल्कुल, उनका कहना है कि अब हमारे बात को संज्ञान में लाया गया है तो हम कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद मुद्रिका जी अपनी बात साझा करने के लिए। न्यूज इंडिया संवाददाता ने जब इस बाबत जिलाधिकारी से बात की तो उन्होंने आश्वासन जरूर दिया कि अब तक इस विद्यालय से जुड़ी समस्या की जानकारी उन तक नहीं पहुंचाई गई थी, जिसकी वजह से कुछ ठोस नहीं हुआ है, पर अब जानकारी मिलने के बाद वो जांच करेंगे और स्कूल भवन के निर्माण को लेकर पहल करेंगे। लेकिन जिन्हें ये काम सौंपा गया है वो अपना काम ढंग से नहीं करते। पटना से एक दर्शक रंजीत जुड़े हुए हैं। जी रंजीत जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? सबसे पहले तो न्यूज इंडिया को धन्यवाद देना चाहते हैं जी, लेकिन बिहार में सिर्फ यहीं पर ऐसा नहीं है, आप लोग को और भी जगह इस तरह का उजागर करना चाहिए जी। चाहे कि हम लोग को देख के बहुत तकलीफ होती है कि बच्चे लोग इस तरह का दुख झेल रहे हैं, इसमें पढ़ाई भी डिस्टर्ब होता है और आगे चल के ये सब क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा है हम लोग को। धन्यवाद रंजीत जी न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात साझा करने के लिए। माधुरी पटना से एक दर्शक जुड़ी हुई है। जी माधुरी जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? इस मुद्दे पे मैं यही कहूंगा सर कि हम लोग का जो पटना का पढ़ाई व्यवस्था है बिल्कुल मतलब गलत है। ऐसा नहीं कि हम लोग का सरकार या कोई किसी को इल्जाम लगाएंगे, ये बस टीचर और ये यहाँ का देख रख रखाव सब कुछ बेकार है, बिल्कुल खराब है। इस बात को तो मैं खास करके यहाँ के टीचर लोग इतने गंदे हैं कि कहने की जरूरत नहीं है। बच्चे को पढ़ने के अलावा यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं, स्कूल में ही धान रखाता है पिटाता है, स्कूल का कोई मतलब अर्थव्यवस्था सही नहीं है। टीचर तो खैर स्कूल में पढ़ाता ही नहीं है, बस अपने काम से बगल में ही टीचर है, अपना घर बनाए हुए हैं वहीं पे आता है, स्कूल में बच्चा ऐसे कूद रहा है कोई दिक्कत नहीं, अपना टीचर अपना खुद काम अपना कर रहा है, घर का अपना सारा काम कर रहा है, बच्चे लोग ऐसे कूद भाग रहे हैं, यहाँ का इतना है कि मतलब कि बच्चे लोग से ही काम करवाया जाता है, स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है कि बच्चे लोग से ही काम करवाना शुरू कर देते हैं। धन्यवाद माधुरी जी न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। आप भी हमें फोन कर सकते हैं, हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। दुबई से एक दर्शक आनंद जुड़े हुए हैं। जी आनंद जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? थैंक यू सर, आपने हमें मौका दिया बोलने का। मैं दुबई में जॉब करता हूँ और मैं आपका ये न्यूज इंडिया चैनल देखता हूँ जी। तो हमारे देश के अंदर यही सारी प्रॉब्लम है, हर स्टेट में यही प्रॉब्लम है, इसका सबसे बड़ी वजह है करप्शन। बिना करप्शन के लिए मुझे पता से नहीं हो सकता, सरकार को इस पर देखना चाहिए। और स्पेशली बिहार का तो शिक्षा के बारे में बहुत ही बुरा हाल है, पता नहीं वहाँ गवर्नमेंट क्या करती है, क्या कौन है डीएम है, वहाँ पर तहसील है डीएम है, कोई चेक करता है नहीं करता है, ये इसको देखने वाला है कौन? इसके पीछे एक कोई ना कोई एक आदमी हो, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, वो देखे कि वहाँ पर स्कूल बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, लेकिन किसने कर दी उसकी जांच होनी चाहिए, और जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, बिकॉज बच्चे लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? एक तो वैसे ही बिहार पिछड़ा हुआ है शिक्षा के हर चीज में पिछड़ा हुआ है, तो ये हाल है। तो कृपा करके आप ये न्यूज ऐसी उठाते हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कोशिश और मैं आपसे ये और अपेक्षा करूंगा कि इससे ज्यादा कहीं भी हो किसी भी कोने में बिहार के आप उठाइए और हमारा सपोर्ट आपके बना रहे। बिल्कुल जरूर, धन्यवाद आनंद जी न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात साझा करने के लिए। आप भी हमें फोन कर सकते हैं, हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। साफ तौर पर जिम्मेदार लोगों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक तरीके से नहीं किया,
जिसका परिणाम है कि बच्चे गौशाला में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। ग्रामीणों ने स्कूल के भवन को लेकर जमीन दान की थी, पर उस जमीन का सही इस्तेमाल नहीं हो पाया है। सोनपुर से एक दर्शक चंद्रशेखर जुड़े हुए हैं। जी चंद्रशेखर जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हेलो जी, बोलिए। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि मेरा जो सोनपुर सबलपुर में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जी राजकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय सबलपुर हंसी टोला में है, उसके अगल बगल लोग इंक्रोचमेंट करके उसको ढक लिए हैं, जिसमें वो गांव का बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा है, खिचड़ी खा रहा है, जा रहा है, और पदाधिकारी आते हैं और इधर उधर करके चले जाते हैं। जरा सा बड़ी कृपा होती कि इस पर आप प्रशासनिक लेवल पर इसको उठाया जाए। तो हम उसी कॉलेज उसी स्कूल के विद्यार्थी हैं। आज मैं मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर हूं, मुझे हार्दिक तकलीफ हो रही है देख करके। तो जरा सा इस पर ध्यान रखें कि इंक्रोचमेंट चारों तरफ से कर करके बच्चे को आने जाने का जगह नहीं है। हेलो जी, जरूर चंद्रशेखर जी, धन्यवाद जी। इस बाबत जानकारी देने के लिए आप भी हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। जमीन नहीं होने की वजह से विद्यालय का भवन नहीं तैयार होता, तो कहीं जमीन होने के बावजूद विद्यालय का भवन तैयार नहीं हुआ है, ऐसे में जिम्मेदार लोगों की लापरवाही सामने आ रही है। जबकि विद्यालय के नाम पर शौचालय और किचन शेड तो तैयार कर दिया गया है, पर स्कूल का भवन अब तक तैयार नहीं हुआ है, जिसकी वजह से बच्चों को गौशाला में पढ़ना पड़ता है। आप भी हमें फ़ोन कर सकते हैं, इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पटना से एक दर्शक सैफ जुड़े हुए हैं। जी सैफ जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी नमस्कार सर। जी बोलिए। जी मैं न्यूज़ इंडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने ऐसा चीज़ दिखाया बच्चों को लेकर। जी और मैं बिहार सरकार के सभी मंत्रियों को ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कम से कम क्षेत्र में एक बार घूम जाए, बच्चों को देखा जाए क्वालिटी विथ एजुकेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एजुकेशन की बात सरकार करती है, लेकिन आज सबसे ज्यादा एजुकेशन में सर बच्चे लोग पीछे अपने बिहार के लोग हो रहे हैं। और रीजन ये है कि क्वालिटी जो एजुकेशन का है वो बिल्कुल जीरो है। लेवल ऑफ एजुकेशन इज वेरी लो इन बिहार एंड दैट्स व्हाई स्टूडेंट ऑफ बिहार इज गोइंग टू बैकवर्ड। तो मैं माननीय आपके माध्यम से न्यूज इंडिया के माध्यम से नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री को भी ये कहूँगा कि अपने जितने भी पदाधिकारी लोग हैं उन लोग को थोड़ा समय दिया जाए, बताया जाए कि क्वालिटी एजुकेशन कैसे दिया जाता है ना जी। और जो खाने के लिए जो दिया जा रहा है इससे भी को सर बहुत ज़्यादा क्वालिटी नहीं है, वो आप भी जान रहे हैं कि बच्चे लोग को जो यहाँ खाना मिल रहा है वो किस टाइप का खाना दिया जा रहा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से नीतीश कुमार जी से ये कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चे जो हमारे भविष्य हैं कम से कम उनके लिए जो है ना एक सही संकल्प लेकर इस पे पॉलिटिक्स ना किया जाए, इस पे बयानबाजी ना किया जाए। जो आपके माध्यम से न्यूज इंडिया जो दिखा रही है इसको कम से कम देखा जाए, सुना जाए। और इस पे मैं तमाम जितने भी विधायकगण हैं, जितने भी मंत्री लोग हैं, और सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अवगत कराना चाहता हूँ आपके न्यूज इंडिया के माध्यम से कि कम से कम इसको देखा जाए, इसको अपने संज्ञान में लिया जाए। आखिर जमीन आवंटन होने के बाद फिर भी क्यों बच्चे आज इस तरह कुपोषण का शिकार क्यों होंगे? आज बीमारी का सरकार जो बात करी, बीमारी के लिए हर जगह मेडिसिन अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो बीमारी तो यहाँ बच्चे पड़ रहे हैं। यहाँ पे आपके माध्यम से मैं देख रहा हूँ स्वच्छता का, नरेंद्र मोदी जी का स्वच्छ का ये डायग्राम वॉल पर लिखा हुआ है, क्या स्वच्छ मिलेगा?
जब माननीय मुख्यमंत्री जी और इनके जितने अधिकारी हैं पदाधिकारी इनको जब समझ में नहीं आ रहा है कि स्वच्छता क्या चीज है, तो इसमें क्या स्वच्छता मिले बच्चों लोग को, जब देखते हैं न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात साझा करने के लिए। आप भी हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जनाक्रोश में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप Twitter पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। Facebook पर आप newsindia.nimsunai पर हमें लाइक कर सकते हैं।